हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपके पास अब EMRS के लिए टाइम बहुत कम है और ये सब देखते हुए मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसे कि ये प्रैक्टिस नंबर 4 है। इससे पहले मैं BPSC के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस कराई हूँ, आप उन सभी वीडियो को एक बार देख के जरूर जाइए। एंड उसका BPSC का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है और उसका जो लिंक है मैं कम्युनिटी पोस्ट पर कर दूंगी। एंड अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस हल कीजिए, कहाँ पे आपको मिस्टेक हो रहा है वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। ये सभी वीडियोज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, 50 क्वेश्चंस हैं इसमें। ज़्यादातर इसमें आज के परिभाषा शारीरिक शिक्षा के एंड ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव कौन बने थे? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में बैरन पियर्डी कुबर्टिन के द्वारा किया गया था, उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड है। एंड उसके प्रथम अध्यक्ष थे, महासचिव थे पियर्डी कुबर्टिन। कौन थे? पियर्डी कुबर्टिन। एंड अब वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक हैं। और इसी के तहत इसमें निर्णय लिया गया कि आधुनिक ओलंपिक खेल संपन्न कराने का, जिसके तहत 6 अप्रैल 1896 में एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू किया गया। जैसे इस प्रकार बैरन पियर्डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2021 कौन सा ओलंपिक था? तो दोस्तों, आपको पता है 2020 जो टोक्यो ओलंपिक होना था, ये 32वां ओलंपिक है। क्या है यह? 32वां ओलंपिक है था जो दो कोरोना के कारण 2021 में संपन्न हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए। अभी तक में ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक भारत ने प्राप्त किया था टोक्यो ओलंपिक 2021 में, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत एंड 4 कांस्य पदक भारत ने जीता था। 1 स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, जो 87.58 मीटर थ्रो किया था। 2 रजत पदक में पहला मीराबाई चानू वेट लिफ्टर में 49 kg भार वर्ग में एंड दूसरा रवि कुमार दहिया कुश्ती में 57 kg भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किए। एंड 4 कांस्य पदक कौन कौन जीता था? तो पहला है लवलीना बोर्गोहेन, जो बॉक्सिंग में कांस्य पदक प्राप्त की। दूसरा है PV सिंधु, जो बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त की। इससे पहले PV सिंधु 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त की थी। इस प्रकार PV सिंधु ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली महिला बन गई हैं। एंड तीसरा कांस्य पदक है बजरंग पुनिया, 65 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक। एंड चौथा है भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इस प्रकार भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किया है। तो इसको याद रखिएगा, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, 31वें ओलंपिक खेल 2016 कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, आप सबको पता है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। आपको पता होना चाहिए कौन सा ओलंपिक किस संख्या का है। 31वां ओलंपिक 2016, 32वां 2020 टोक्यो ओलंपिक, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। और रियो ओलंपिक 2016 31वां ओलंपिक में भारत ने केवल 2 पदक प्राप्त किया था, उसमें से पहला था बैडमिंटन में PV सिंधु रजत पदक एंड कुश्ती में साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक 58 kg फ्री स्टाइल में। और एक पूछा जाता है जो आपके
दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी वर्ल्ड स्पर्धा में 2016 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 28वें ओलंपिक खेल 2004 कहां पर आयोजित किए गए थे, तो यह आयोजित किया गया था एथेंस यूनान में। ठीक है, 1896 भी शुरू हुआ था एथेंस यूनान में, फिर दोबारा 2004 में 28वें ओलंपिक में एथेंस यूनान में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था, तो कुल 14 देशों ने भाग लिया था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो मान लिया है यहाँ पे 13। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, 28वें ओलंपिक खेल 2004 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 201 देशों ने भाग लिया था, यहाँ पे 202 है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति कब मिली थी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कंठस्थ रखिएगा। तो महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने का अनुमति जो है 1900 पेरिस फ्रांस में मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना निम्न है, तो दोस्तों जिसमें सही प्रकार की गति संभव हो उसको कहते हैं सरकमडक्शन। क्या कहते हैं? सरकमडक्शन। जैसे जो हमारे बॉडी की जो मूवमेंट है, गति है, चार प्रकार की होती है, जैसे कि एंगुलर मूवमेंट, एक्सियल मूवमेंट एंड रोटेटरी मूवमेंट, चार प्रकार की होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट, सर्कमडक्शन। ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है कि पिट्यूटरी ग्रंथियों को मुख्यतः निम्न भागों में विभाजित किया गया है, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि या प्रमुख ग्रंथि कहते हैं। ये दो भागों में बांटा हुआ है मुख्य रूप से, एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे अग्रपाली कहते हैं, और दूसरा पश्चपाली जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अग्रपाली एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन से स्त्रावित होते हैं, और पश्चपाली न्यूरोहाइपोफाइसिस से वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोक्सिन, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोक्सिन दो हार्मोन स्त्रावित होता है। वैसोप्रेसिन को एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है, जो हमारे शरीर में जल को नियंत्रित करता है। तो और जो हमारा पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होता है, हमारे कपाल की स्फेनॉइड हड्डी के सेलार टर्सिका नामक गर्त में मक्का यानी मटर के दाने के समान दिखाई देता है, जिसका वजन 0.5 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेल्टॉइड मसल्स निम्न अंग से संबंधित है, तो जो हमारा डेल्टॉइड मसल्स है वह किससे संबंधित है, वह है हमारे कंधे के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों से, जिसे हम लिफ्टर मसल्स भी कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, बाइसिप्स की उत्पत्ति निम्न से होती है, तो जो हमारा बाइसिप्स है यूरस हड्डी के ऊपर, तो ए इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो बाइसिप्स की उत्पत्ति स्केपुला के ऊपरी भाग से होती है, स्केपुला यानी कंधे के। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्राइसेप्स की उत्पत्ति निम्न में से होती है, दोस्तों जो ह्यूमरस हड्डी है उसके ऊपर बाइसेप्स मसल्स होती है, उसके पीछे ट्राइसेप्स मसल्स होती है, जो ट्राइसेप्स मसल्स होती है इसकी उत्पत्ति कहां पे होती है, तो इसकी उत्पत्ति ह्यूमरस हड्डी के ऊपरी भाग पर जो मांसपेशी रहती है उसके पीछे भाग से होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, मांसपेशियां निम्न प्रकार की होती हैं, तो आप सबको पता है इजी क्वेश्चन है, 3 प्रकार की होती हैं, स्केलेटल मसल्स यानी रेखित पेशियां जिसे ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, एंड दूसरा अनैच्छिक पेशियां जिसे स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, और तीसरा कार्डियक मसल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर में जिस जगह दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं
वह भाग क्या कहलाता है? तो वह जोड़ कहलाता है। तो दोस्तों जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम आप दिए होंगे, सब में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे लिगामेंट का पूछ दे, चाहे दो जोड़ों का पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, बट क्वेश्चन अवश्य रहता है। और ये दो हड्डियों को दो जोड़ों पर जोड़ता कौन है? तो लिगामेंट जोड़ता है, जिसको हिंदी में अस्थि बंध भी कहते हैं, स्नायु भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर में संवहनीय ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू निम्न प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, धमनी और सिरा। धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारीरिक शिक्षा तनाव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न उपलब्धियां है जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी गई हैं, यह कथन किसका है? जैसा कि आप बार बार प्रैक्टिस किए होंगे तो सही उत्तर दे दिए होंगे, ये कथन है J.F. विलियम्स का, जहाँ पे शारीरिक क्रियाओं की बात आ जाए, अब चुनी हुई किसी विशेष लक्ष्य को चुनने की बात आ जाए, वहां भी J.F. विलियम्स की परिभाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शारीरिक शिक्षा उन पूर्ण तजुर्बे या भावों का जोड़ है जो व्यक्ति को बड़ी मांसपेशी की कसरतों में भाग लेकर प्राप्त होते हैं, अतः यह हमारे वृद्धि और विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्राउन वेल का। ठीक है, ब्राउन वेल का। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा विधि का अटूट अंग है। तो अटूट अंग आते ही आप समझ गए होंगे कि किसका परिभाषा है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक तौर पर योग्यशाली बनाना है। सारी क्रियाओं को चुनाव इसके उद्देश्यों को देखकर किया जाना है। तो दोस्तों ये परिभाषा है चार्ल्स बूचर का। किसका है? चार्ल्स बूचर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शारीरिक शिक्षा उन पूर्ण तजुर्बे व भावों का जोड़ है जो कि व्यक्ति की क्रियाओं के द्वारा ग्रहण करता है। तो जहां पे जो आंतरिक भावना प्लस क्रिया, व्यक्ति विशेष की क्रिया या प्रक्रिया शब्द आए, वह परिभाषा हमेशा रहेगा किसका? डी आवरित यूफोर का। और जहां आंतरिक अनुभवों के साथ परिवर्तन या प्रतिक्रिया शब्द आए, वहां पे कैसिडी का होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों, देखिए भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो भीतरी अनुभव, आंतरिक अनुभव के साथ साथ व्यक्ति विशेष में परिवर्तन शब्द आ जाए या प्रतिक्रिया शब्द आए, तो वो परिभाषा रहेगा आपका कैसिडी का। किसका? कैसिडी का, रोजालैंड कैसिडी का। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न करना और उसका संरक्षण करना, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर एम सिद्धलिंगैया का। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कराते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है? स्वास्थ्य संबंधी तथ्य रखना चाहिए, कोई बच्चा इंजर्ड तो नहीं है या इलनेस तो नहीं है यानी बीमार तो नहीं है, लिंगी विभिन्नता एंड बच्चों की शारीरिक दशाएं कैसी है, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से व्यायाम में से होने वाला लाभ है? तो दोस्तों व्यायाम से जो है आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यानी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस वृद्धि में इंक्रीज होता है, स्मृति में वृद्धि यानी याददाश्त क्षमता बढ़ती है, फिजिकल फिटनेस में वृद्धि, एक अच्छा बॉडी पोस्चर मिलता है, ये सभी चीज़ें आपको एक डेली एक्सरसाइज से मिलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षण है, तो यह बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेतांश प्रतिशत कांस्टेंट सैंपलिंग किसके समान है? तो यह
दोस्तों गुच्छ प्रतिदर्श क्लस्टर सैंपलिंग के समान है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिशत की पर्याप्तता किससे निर्धारित होती है? तो यह दोस्तों समष्टि का आकार प्रतिशत यानी कि एक जो सैंपलिंग होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए आपके बिहार की जनसंख्या स्त्री पुरुष की, या तो सोचेंगे कि 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, पूरे बिहार का तो लेने नहीं जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, किसी एक एरिया का निकालेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे, उसी के आधार पर पूरे बिहार की जितना जनसंख्या रहेगी उसका प्रतिशत निकालेंगे, वही आपका सैंपलिंग रहेगा। तो जो एक समष्टि का आकार रहेगा एक जगह का, जिस कि मान लीजिए एक जगह का आपका गया का ही लिए, तो गया क्या है, समष्टि का आकार हो गया, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न से कौन सी परिकल्पना एक गुच्छ परीक्षण द्वारा जांची जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा परीक्षण दुश्चिंता में लड़के और लड़कियों के बीच अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संक्रियात्मक चर निम्न में से किसे सुकर बनाते हैं? तो जो संक्रियात्मक चर होते हैं वह सांख्यिकीय परिकल्पना को सुकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक मार्गी इनोवा यानी कि वन वे इनोवा द्वारा 20-20 छात्रों वाले चार समूहों की उपलब्धियों की तुलना की गई। यहां समूह के भीतर के स्वतंत्र अंश होते हैं, तो चार स्वतंत्र अंश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान का परिणाम होता है। तो किसी भी अनुसंधान का परिणाम होता है आविष्कार, इन्वेंशन, इन्वेंशन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, दो चरों के बीच के सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान 0.5 है, तो इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है कि एक चर में 50% अंतर की व्याख्या दूसरे में उपस्थित अंतर से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक परीक्षण की अर्ध विभक्त विश्वसनीयता 0.6 है, जब इसे पूर्ण परीक्षण के लिए बढ़ाया जाएगा तब विश्वसनीयता का मान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 0.9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यक्तिगत अध्ययन एक प्रकार से है, तो व्यक्तिगत अध्ययन जो है यह एक प्रकार से सर्वे स्टडी, क्या है, सर्वे स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्णनात्मक अनुसंधान सम्मिलित नहीं करता है, तो वर्णनात्मक अनुसंधान जो है सर्वे अध्ययन को सम्मिलित करता है, अंतरकौशिक अध्ययन को सम्मिलित करता है, विकासात्मक अध्ययन को सम्मिलित करता है, बट एक्स पोस्ट फैक्टो अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 35 है, विशेष ओलंपिक में प्रतिभागी कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों विशेष ओलंपिक की स्थापना 1968 में शुरुआत हुआ शिकागो अमेरिका में, जैसा कि क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा हुआ था, बहुत लोगों ने गलत आंसर दे दिया है। तो दोस्तों सारे ये विशेष ओलंपिक में जो प्रतिभाग कौन कौन प्रतिभाग करते हैं, तो सारी को मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बच्चे और वयस्क लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रतिभाग करते हैं, भाग लेते हैं। तो शिकागो अमेरिका में 1968 में शुरू किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश ने विशेष ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक की मेजबानी की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है, ओलंपिक में विभिन्न इवेंट्स जेसी इवेंट्स द्वारा चार पदकों की जीत की बराबरी किसने की? तो दोस्तों जेसी इवेंट्स ने 1936 में बर्लिन जर्मनी में एक प्रथम अमेरिका निग्रो खिलाड़ी था जिसने चार स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम धावक बना, चार स्वर्ण पदक इसने जीता 100-200 मीटर दौड़ में एंड 4x100 मीटर रिले रेस में एंड लॉन्ग जंप में चार स्वर्ण पदक जीता। फिर इसका बराबरी किया, इसका
1984 में लॉस एंजल्स में कार्ल लुईस ने, यहाँ कार्ल मार्क्स दिया है, यहाँ कार्ल लुईस रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर कार्ल लुईस ने भी 400 पदक जीते, 100-200 मीटर दौड़ लंबी कूद और 4x100 मीटर रिले रेस में। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है कि अटलांटा ओलंपिक ने क्या चिन्हित किया। तो अटलांटा अमेरिका ओलंपिक कहाँ हुआ था, 1996 में, और यह क्या चिन्हित किया दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुआ था 1896 में, तो 1996 अटलांटा में इसको 100 वर्ष पूरा, इसलिए आधुनिक ओलंपिक की शतवार्षिकी कहा जाता है 1996 अटलांटा ओलंपिक को। क्वेश्चन नंबर 39 है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, यह कथन जो है निम्नलिखित में से किसमें शामिल है। तो यह यूनेस्को की घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग खेल का प्रथम विजेता कौन था। तो दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग खेल का प्रथम विजेता था ओनोमास्टोन, कौन था, ओनोमास्टोन। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन क्रेसमर का मिश्रित वर्गीकरण है। तो आपको पता है क्रेसमर ने चार बारी टाइप बताया था, पिकनिक यानी गोल का है, एथलेटिक यानी सुडोल का है, एस्थेटिक्स यानी दुबला पतला शरीर क्रिस का है, एंड चौथा इन्होंने बताया था डायस्प्लास्टिक, जो तीनों का मिश्रित रूप था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डायस्प्लास्टिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण क्या है। तो शेल्डन ने बॉडी टाइप को तीन भागों में बांटा था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। एंडोमॉर्फिक साइक्लोमेटिक था यानी गोल का है, जिसे डिस्ट्रोटोनिक भी बोला जाता है, एंड मेसोमॉर्फिक मांसपेशी प्रधान मजबूत बॉडी सुडोल का है शरीर, जिसे सोमेटोटोनिक भी बोला जाता है, एंड तीसरा एक्टोमॉर्फिक जो दुबला पतला शरीर अस्थि प्रधान शरीर, एंड इसको सेरेब्रोटोनिक भी बोला जाता है यानी कि प्रमस्तिष्क प्रधान, ज्यादा बुद्धिमान होता है, एकाग्रचित होता है, एकांत प्रिय होता है, इंट्रोवर्ट होता है यानी अंतर्मुखी होता है। तो यहाँ पे तीन बॉडी टाइप को बताया था शेल्डन ने, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ एंड एक्टोमोर्फ, तो इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वार्सियोर्कर को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है। तो दोस्तों क्वार्सियोर्कर एंड मरास्मस, ये जो दोनों रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या देंगे, क्या आवश्यक होगा, प्रोटीन ही आवश्यक होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मूल्य होता है। तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में 60 से 100 mg जो है कोलेस्ट्रॉल का मूल्य होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में दो प्रकार का होता है, HDL एंड LDL। HDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हमारे शरीर में HDL हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि LDL जो है खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर में जो धमनियाँ हैं, सिराएँ हैं, जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनको ब्लॉक कर देता है और हार्ट अटैक आने का संभावना होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, एसिटाइल कोलाइन स्नायु कोशिकाओं में पेशी कोशिकाओं के साथ संपर्क को एक स्थल पर अनुमति प्रदान करता है। तो वह स्थल क्या है, इसको मैंने अच्छे से बताया हुआ है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में।
यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका पेशीय संधि स्थान न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होगा, जहाँ पे न्यूरॉन एंड मसल्स दोनों मिलते हैं, दोनों का कनेक्शन होता है, उसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वसा की मात्रा निम्न में से किसमें काफी होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे शरीर की एडिपोज टिश्यू होती है वहां पे जाकर के जो वसा होता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के रूप में जमा होता है, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है और उसको चिकना बनाए रखता है, तो यहाँ पे वसी ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, निम्न में से कौन पेशियों की आधारभूत इकाई है। तो दोस्तों पेशियों की सबसे छोटी इकाई होती है मायोफाइब्रिल, ठीक है, यानी कि पेशीय तंतु फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है कि पेशी तंतुओं में विद्यमान प्रोटीन का क्या नाम है। तो पेशी तंतुओं में एक्टिनोमायोसिन प्रोटीन होते हैं, एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। एक्टिन छड़ों का मायोसिन छड़ों पर फिसलने से ही मांसपेशी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू की आधारभूत इकाई है। तो दोस्तों तंत्रिका ऊतक की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन, क्या है, न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, तीन प्रकार की होती है। सेंसरी न्यूरॉन जो है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहां से सूचनाओं को ले जाता है मस्तिष्क तक, और जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वो मस्तिष्क से सूचनाओं को मांसपेशियों तक अंगों तक ले जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कि बर्न को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक होता है। तो बर्न को ठीक करने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, कहीं कट फट गया, ठीक है, बॉडी में कोई स्क्रैच आ गया, तो प्रोटीन जो है क्या करता है, कोशिकाओं मांसपेशियों का निर्माण करता है, तो प्रोटीन आवश्यक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और मैं आपके लिए केवल उपयोगी चीज़ें ही लाती हूँ, फालतू चीज़ें नहीं लाती हूँ। तो सभी वीडियो आज के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।